पूरे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 में देश को अपना संविधान मिला था, तभी से उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनपद में भी गणतंत्र दिवस की तैयारी बड़े ही तेजी से चल रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने कहा कि 26 जनवरी को सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों पर सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी दिन सरकार के विभिन्न योजनाओं की झांकी भी निकाली जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने की अपील की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, गणतंत्र दिवस तो एक देश का पर्व के रूप से मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए था। उसी के हिसाब से हम लोग 8:30 बजे हर जगह झंडारोहण का हम लोग कार्यक्रम रखा है। हर सरकारी दफ्तर, हर विद्यालय, हर प्रांगण में झंडा का सम्मान होता है। उसके बाद जो कितने लोग देश के लिए कुर्बानी दिए उसी परिवार का हम लोग सम्मान करते हैं कलेक्ट्रेट में और जगह जगह पे पुलिस लाइन पे। फिर 9:30 बजे से पुलिस लाइन का कार्यक्रम चालू होगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी अध्यक्ष रूप से आएंगे उस पर। उसके बाद विभिन्न संगठन के माध्यम से यहाँ अनेक जुलूस निकला जाता है। उसके बाद झांकियाँ का भी व्यवस्था कर रखा है, जो सरकार का उपलब्धि है उसका प्रचार प्रसार कराने के लिए। और उसके अलावा तो अनेक गुट है, जो कितने NGO लोग हैं, संगठन लोग हैं, NSS वाले हैं, सभी लोग साथ मिल करके एक पर्व के रूप से हम लोग मना रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप लोग भी एक देश पर्व का दिल से मनाइए, ये हम सबको जिम्मेदारी है।